स्पेशल है आपके लिए। जा रही हूँ मम्मी पापा के घर, वहाँ पे आके है ना सब बता देना सच्चाई उनके सामने, और सबको पता चले आप कितने दूध के धुले हुए हो। क्या मत करना मत करना, कब से लगा रखा है, जाओ आप यहाँ से। मैं कैसे हो आप सब, आई होप के सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों कल मैंने पूजा के ऊपर सेकंड मैरिज प्रैंक किया था और आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबी हुई थी, वीडियो काफ़ी लंबा हुआ था, तो काट कूट के वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश किया, फिर भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वीडियो अंत तक देखना, एकदम फाड़ू वीडियो, एकदम मस्त वीडियो, मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, पूजा के रिएक्शन देखने लायक है। सो फटाफट वीडियो देखते, वीडियो ऑलरेडी लंबा है, अभी मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा और वीडियो की तरफ बढ़ते, तो देखिए पूरा वीडियो। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तू धमका क्यों रही है मुझे? हाँ तो बोल दे ना। देख तेरा बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, तेरे को जितना देना था उससे ज्यादा मैंने दिया, फिर भी तू ऐसे हरकतें कर रही है, बाज नहीं आएगी तू? हाँ तो बोल ही दे ना, तू बोल ही दे, कब बोलेगी मैं भी देखता हूँ, कब बोलेगी तू, कब बोलेगी बोल दे। हाँ धमका मत तू मुझे, नहीं अभी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं, जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा मैंने दिया था तेरी गलती होने के बावजूद। हाँ मेरी गलती थी जो मैंने छुपा के रखा अब तक, लेकिन तू इस बात पे अगर मुझे बार बार अभी धमकी दे रही है ना, तो देखता हूँ मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? दूध का दूध क्यों नहीं करेगी, मेरे पे भरोसा है उसका। हाँ हाँ तू देख, हाँ तू दिखा तो सही मैं, हाँ मैं, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, तू बोल जो बोलना है बोल। हाँ तेरे पास नंबर है ना, फोन करके बता दे, बता दे, तेरे से पहले मैं ही बोल दूंगा ना बात, जो होगा मैं देख लूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा, तू उसका टेंशन मत ले, जो होगा मैं भुगतने के लिए रेडी हूँ, और वो समझदार लड़की वो सब समझ लेगी, वो मुझे समझ लेगी, मेरे को पता है मेरी गलती थी, पता है मैंने उसको उससे छुपा के रखा, लेकिन अगर हाँ लेकिन अगर मैंने उसको अच्छे से समझाया तो समझ जाएगी। हाँ उसका जितना मतलब ये सब चीज़ों से ज़्यादा वो मेरे से प्यार करती है, समझी तू? हाँ रख दे तू, रख, पापा से फ़ोन मत कर, मेरे को बोल रहा हूँ मैं, वापस एक फोन करेगी ना फिर फोन के अंदर घुस के पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा तेरे साथ, रख रख। हाँ रख। कौन था? अरे क्या हो गया है? क्या बोलूं यार पूजा, सदमा, क्या बोलूं तुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बोलूं तुझे, क्या हो गया पहले बोलो तो। बहुत बड़ी गलती हो गई रे मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी मुझे अभी पछतावा हो रहा है। कौन सी गलती? बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे अभी पछतावा हो रहा है, लेकिन मुझे। अरे कैसा पछतावा, कौन सी गलती होगी? बहुत बड़ी बात है यार, मैं पता ही मैं तुझे किस मुंह से बोलूं, कैसे समझाऊं तेरे को, मैं आपके पास एक ही मुंह है ना उसी बोल दूं, किस मुंह से समझाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया ना कि भगवान भी मुझे शायद माफ ना करे। क्या पाप कर दिया है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता पाप, तो बहुत अच्छी है यार, लेकिन पता है मैं तेरे को ना दुखी नहीं देखना चाहता, जो तू अभी मतलब खुशहाल जिंदगी जी रहे ना, तो मैं उसके अंदर ना पेट्रोल नहीं छिड़कना चाहता है, लेकिन पता, लेकिन मैं ये सब चीजें बताना भी चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही है, काफी दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ तेरे को, किस मुँह से बता रही हूँ, इतना किस मुंह से बोलूं तेरे को, अभी बैठो, सिचुएशन ऐसी आ पड़ी है ना, छुपा भी नहीं सकता, बता भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसी हालत हो गई है मेरी, क्या बताओ यार मैं तुझे, क्या छुपाना है और क्या बताना है, कुछ समझने तू बैठ ना, तू बैठ, मैं तेरे को सब बताऊं, मैंने पहले आप बैठो, क्या हो गया है, तू बैठ ना यार पूजा, अरे आप बैठो, आप इतना टेंशन लेके बैठे हो, तू मेरा, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो तू बुरा नहीं मानेगी, साथ देगी तुझे समझ के लेगी, हाँ सब करूंगी बाबा, आप तक नहीं समझाए क्या, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, समझिए यार, लेकिन ये चीज ऐसी है ना, इसको समझने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, तेरे पास है उतना बड़ा दिल? आपको नहीं लगता है? लेकिन लगता है, लेकिन ये बात ही इतनी बड़ी है ना पूजा की, ऐसा मतलब कौन सी बात, बोलो तो सही, पता नहीं ऐसी कितना भी बड़े दिल वाला इंसान हो, पता नहीं ये बात समझेगा कि नहीं, इतनी बड़ी बात है, अभी तक सब बातें शेयर की है ना, सब समझाए, देख तुझे तो ये भी समझा दूं, ये भी बोल दूं, तुझे मेरे प्यार का वास्ता, प्लीज मुझे समझ के लेना, हाँ बोल दो, तेरे से शादी होने से एक साल पहले मेरे पहले से शादी हो चुकी थी। क्या मजाक कर रही? मेरी पहले से शादी हो चुकी थी पूजा। क्या बात कर रहे हो, शादी? हाँ
एक साल पहले तेरे से शादी करने के, एक साल देख देख मैं तेरे को सच सच हड़बड़ी में डिसीजन मत ले, कुछ सुन तो सही, सुन तो सही, हड़बड़ी में डिसीजन मत ले, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, सुन ले सुन ले। एक लड़की थी, सुनेगी तू? मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुन दे ना बाबू, ऐसा क्यों कर रही है यार, तो अभी बोली ना मैं सब समझ के लूंगी। मतलब मैं आपकी पहली बीवी नहीं हूँ? तू पहली बीवी नहीं है, तू दूसरी बीवी है, लेकिन सुन तो ले यार, गलत मत समझ, तो सुन समझ तो ले यार, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। पहले शादी हुई थी एक मेरी, क्या हुआ? अरे सुन सुन तो सही यार, जिसके साथ शादी किया था ना, रिश्तेदार में शादी, रिश्तेदार थी वो, अच्छी लड़की थी स्टार्टिंग में, मैंने बातचीत करता था शादी से पहले उससे, लेकिन शादी के बाद उसके तेवर ही बदल गए यार, वो मेरे से अच्छे से बात ही नहीं करने लगी, अपने मम्मी से भी मतलब एकदम अरे तुरे करके, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रखती थी यार, यहाँ हुआ घूमना, बातें ना सुनना, ये सब हरकतें करने लगी, घर के काम, घर के काम नहीं करती थी, मम्मी से उल्टा सुल्टा बात करती थी, मुंह में आए वो बकती थी, गाली गलौज करने लगी थी यार, मेरी इज्जत का धजिया उड़ गया था यार, पूरी इज्जत खराब कर दी थी, तो यार इसके लिए मैंने उससे अलग होने का डिसीजन, वो भी, और वो भी मेरे से पैसे के लिए मेरे साथ में थी यार, मेरे से पैसे निकालना चाहती थी, वो भी मेरे से अलग होना ही चाह रही थी, अलग होके मेरे से मुंह मांगी रकम ले, ऐसा उसका प्लान था यार पूजा, इसलिए वो अच्छे से नहीं रहती थी, और मैंने भी उसको अलग कर दिया, मैंने डिवोर्स ले लिया, हमारा रिश्ता 6 महीने तक टिका, उसके बाद हम अलग हो गए। शादी से पहले बात करते थे ना उसके साथ? करता था, लेकिन तभी अरे तब पता नहीं चला वो कैसी है। नहीं पता चला ना, वो पूरा प्लान करके आई थी मेरी लाइफ में यार पूजा, मैं क्यों झूठ बोलू, पूरा प्लान करके लाइफ में आई थी कि मैं इसके लाइफ में घुसूंगी, फिर उसके बाद मैं यू टर्न लूंगी, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल दी, पैसे नहीं लेके भाग गई हो। आप ये बात मुझे इतने दिनों के बाद बता रहे हो, इतने दिनों तक छुपा के रखी। अरे यार मैंने हमेशा तेरे को बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, जब भी तेरे सामने आता था ना वो बात लेके, तो ऐसा मतलब मुंह से ना शब्द नहीं फूटते थे मेरे, कसम से बोल रहा हूँ, मैं तेरे को बहुत बार मैं तेरे से तेरे को बताने की कोशिश की, लेकिन अभी क्या हुआ पता है, वो मेरे को लड़की का वापस से फोन आ रहा है, और वो मेरे को बार बार धमका रही है कि तेरी बीवी को मैं सब बता दूंगी कि तेरा पहले से शादी हुआ था, अपना अफेयर था, ये था वो था, तूने छुपा के रखा, ये सब पता नहीं उसको कैसे पता चला मैंने छुपा के रखा, तेरे को बताया नहीं, वो मेरे को धमका रही है, मेरे को और पैसे मांग रही है, 2-3 लाख रुपया दे बोल रही है, मैंने पहले उसको 5 लाख रुपया दिए थे, अभी और 2-3 लाख कहाँ से दूँ उसको यार पूजा, इसलिए मैंने आज ठान लिया कि तेरे को आज मैं खुद अपने मुंह से बताऊंगा, समझ के लेना पूजा। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, क्या हुआ, क्या है, क्या बोल क्या रहे हो आप, मेरे कुछ दिमाग खराब हो रहा है ना, अरे यार एक बार भरोसे में लेके बता के देख तो लिया होता मेरा क्या रिएक्शन होगा, इतना भी भरोसा नहीं है क्या आपको, नहीं लगता मैं उतना भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ आप पे, बताने वाला था यार पूजा, लेकिन इतने साल हो गए हमारी शादी को, 2 साल होने को आए, तो बताने वाला था वो, लेकिन वो सही वक्त नहीं आ रहा था यार पूजा, मैं तेरे को बताने वाला था, तेरी खुशियों के ऊपर ना मैं पेट्रोल छिड़कना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं नहीं बता पाया। देखो मुझे चक्कर आने लगा आपके पास, बैठ ना, चक्कर आ रहा है तो बैठ, मुझे पानी पिला, तो मुझे नहीं चाहिए पानी, पी यार, नहीं चाहिए पूजा, देख यार मैं तेरे को सब शादी के पहले ही बताने वाला था, लेकिन पता है क्यों नहीं बताया, तेरे को खोने के डर से नहीं बताया, तू मेरे को इतनी इनोसेंट अच्छी लड़की लगी, अरे यार और कौन सी लड़की करेगी बताओ, पहले शादीशुदा लड़के से शादी कौन करेगी, हाँ एक बार मैं अंडरस्टैंड कर भी लेती, समझाने की कोशिश तो कर लेते, अरे लेकिन समझाने वाला था ना, बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे, तुझे खोने की फैमिली से भी, अरे मेरे को डर लग रहा था पूजा कि मुझे वो खोना दो यार, तू मुझे लगा कि तू यार भड़क के चले ना जाए तेरे घर पे, इसलिए मैंने ये सब छुपा के रखा कि जैसा चल रहा चलने दो, लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है, वो लड़की का फोन आ रहा है मेरे को, और वो मेरे को बार बार धमका रही कि तेरे को मैं सब बता दूंगी करके, मतलब तुझे हम दोनों का जो भी रिश्ता था वो तुझे बताएगी करके बोल रही है, उसके पास हमारे फोटोज भी है तो तेरे को भेजेगी बोल रही है, इसलिए मैंने छुपा अभी तेरे को बताने की हिम्मत की पूजा, पूजा क्या बोल ना कुछ, तो क्या बोलूं यार, बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, शर्म आती है आपको, आती है अभी क्या करे, लेकिन आती है बोलने में तो शर्म करो, हाँ अभी
क्या आज ना कल बताना था, अभी वो टाइम आ गया, हर चीज का टाइम होता है, तो ये बताने का अगर आपने टाइम पे बता दिया होता ना, शायद से मैं कुछ समझ तो लेती। देख देख मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी हुआ सब भूल जाए। सुन 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 सुन, मेरे लाइफ को ऐसा समझ, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं मतलब मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, बस तू इतना समझ के चल, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। उस लड़की से कैसे निपटना है मेरे को अच्छे से पता है, तू सिर्फ मेरा साथ दे दे। जो भी हुआ था पास्ट में हुआ था, शादी से पहले हुआ था, मेरे को पता है मेरी गलती है कि तेरे को बताना चाहिए तो बताया नहीं, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि तू कहीं दुखी ना हो जाए। मुझे लगा आप बताने से मैं दुखी नहीं हो रही, उल्टा तब बता देते ना तो थोड़ा कम दुख होता कि हाँ बाबा कुछ होने से पहले सब सच्चाई बता दी है आपने। तो अभी बता, लेकिन आपने मुझे भी धोखा दिया, मुझे भी धोखे में रखा। बता दिया ना अभी पूजा, भी वापस से बता दिया, नए से शुरुआत करते ना यार पूजा, भूल जाना। मैंने ऐसे कुछ देख, मैंने तेरे को सब बता दिया, अभी ये सब भूल जाना, माफ कर देना। पहली पत्नी होते हुए दूसरी, अरे क्या हुआ, मैंने डिवोर्स लिया है उससे, उसको रख के सोचा भी नहीं था यार आप ऐसा सब कर। अरे लेकिन मैंने उसको रख के थोड़ी ना तेरे साथ शादी किया है कि उसको वहाँ पे रखा है, तेरे को यहाँ पे रखा है, उससे डिवोर्स लेके शादी किया है ना यार। मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ? सब कैजुअल है आपके लिए, कैजुअल है, सब नॉर्मल है। हाँ सब नॉर्मल है आपके लिए। एक किसी लड़की का फोन आता है, वो आपकी पत्नी होती है पहले की, वो आपसे पैसे मांगती है, सब क्या चल लगता है आपको, आगे क्या क्या मांगेगी पता नहीं, घर भी मांगेगी, दे देना और रास्ते भी छोड़ देना मुझे। अरे कुछ नहीं मांगूंगा उसको मैं, उसको जो भी मांगना मांगने दे, मैं कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ तेरा साथ चाहिए। देखो वो जो मांग रही है ना अब तक देते आए हो ना, वो जो जो मांग रही है, जितने पैसे मांग रही है, वो मांग की रकम मांग रही है, सब देते आए हो ना, अभी भी सब दे दो उसको, हाँ सब दे दो, मेरा टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पूजा तू समझ के लेना यार, इतने भरोसे से तेरे को बताया, प्लीज अभी समझ के लेना, उसके पहले मैं तेरे को बताना चाह रहा था इसलिए मैंने तेरे को बता दिया यार, तो ऐसे मत कर यार पूजा, समझ लेना यार, मुझे समझ के लेना। कहाँ जा रही है अंदर, नींद आ रही है तेरे को, बैग लेके जा रही है मतलब, हाँ चली जाऊंगी मैं यहाँ से। किधर जाएगी तू, जाऊंगी जिधर, पागल हो गई, मेरे मम्मी पापा है मुझे संभालने के। तो क्या बोलेगी तू उनको, बोल दूंगी जो सच है, आप आके वहाँ पे बता देना जो तेरा दिमाग खराब हुआ है, जो है सच वो बताएगी वहाँ पे, क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में, थोड़ा तो सोचे तेरे पति की, थोड़ी तो रिस्पेक्ट रहने दे यार। तो आपको वो सब पहले सोचना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे क्लियर कर लेते ना तो मैं कुछ तो समझा लेती घर वालों को। ठीक है ना यार, जो भी है यहाँ पे मुझे भी अभी पता चल रहा है, जो भी है यहाँ पे निपटा लेना यार, घर तक जाने की क्या बात है, यहाँ पे कुछ भी निपटाना है, ये बात को आप रहने दो, आप मेरा दिमाग मत खराब करो, बात को मत फैला पूजा। क्या बात को मत फैला, इतना सब फैला के रखा है आपने, तो फैला के रखा तो मैं सब सिमेंट दूंगा यार, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ मेरा साथ देना पूजा। नहीं देना मुझे साथ। अरे तू ऐसे क्यों कर रही है पूजा, तू ऐसे करेगी तो मैं टूट जाऊंगा यार, तू फिर मेरे को कहेगा, मेरे को बेच खाएगी वो लड़की, तो तू ऐसे करेगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा। एक तो उसी बात का फायदा उठाया है आपने, अरे मेरा दुखड़ा का दर्द मेरे को संभाले नहीं जा रहा, अभी तेरे को कैसे मनाऊ यार मैं, पूजा पूजा क्या? बात तो सुनना यार, ऐसे मत कर यार, तू ये इसी कर देगी तो मैं कैसे जीऊंगा। आपको जैसे जीना है जियो, अरे जिसके साथ जीना है जियो। तू मेरा इंस्पिरेशन है, तू मेरा मोटिवेशन है, तू मेरा सिम कार्ड है, तू मेरा नेटवर्क है, ऐसे मत कर यार। सब खत्म। अरे यार मेरे को उस लड़की से निपटना है, अभी तेरे को मनाते बैठू क्या, मेरा दुखड़ा क्या कर रही है पूजा, उसकी बोलती बंद करनी है, तो तू ऐसे करेगी तो मैं कैसे निपट पाऊंगा यार पूजा। इतने दिन से निपट रहे हो ना, आज पता चला है मुझे, इतने दिन से संभाल रहे हो ना, संभाल क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, उसका अभी अभी फोन आना चालू हुआ है, पता नहीं उसको नंबर कहाँ से मिला। मुझे मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के घर, वहाँ पे आके है ना सब बता देना सच्चाई उनके सामने, और सबको पता चले आप कितने दूध के दूल्हे हो। हाँ क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाह रही है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। मैंने सोचा तू मेरा साथ देगी, तूने बोली मैं तू मेरा साथ देगी, और अभी तो ऐसे कर रही है। आपने सही वक्त बता दिया होता ना तो मैं दे देती आपका साथ, मैं घर वालों को भी संभाल लेती, मैंने पहले भी बोला आपको ये बात,
अभी गलती हो गई, माफ कर दे, बोल रहा हूँ ना यार, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने गलत किया, तो मैं भी इंसान हूँ, तो माफ कर देना, इंसान इंसान को माफ कर देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यार, मत करना पूजा। क्या मत करना, मत करना, कब से लगा रखा, जाओ अब यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से घर छोड़। सब कांड करके आते हो कहाँ से, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों टेंशन देते हो, सब पता देना चाहिए था पहले ही आपको। माफ कर दे, छोड़ो। अच्छा सुन तो सही, सुन तो सही, एक रोमांटिक डांस करते तो तेरा मूड साफ हो जाएगा। दिमाग खराब है आपका, एक रोमांटिक डांस करते करो, उसके साथ जाके कर लो। अबे उसके साथ डिवोर्स हो गया है, उसके साथ कैसे करूंगा मैं, अपन एक मस्त रोमांटिक डांस करते। अरे आप सोच भी कैसे सकते हो ये सब बातें, हाँ? तो जाने से पहले एक डांस करा देना, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। नहीं करना है मुझे। जाने से पहले तो जा रही है ना, अच्छा जा रही तो चाय तो बना के पीना, एक एक कप चाय तो पिला, खुद बना के पियो, नहीं तो कुछ भी करो। चाय नहीं पिलाएगी तो मैं जाने नहीं दूंगा फिर तेरे को, देख देख यहाँ पे खड़ा हूँ मैं इस तरीके से। अच्छा सुन सुन तो सही, मजाक कर रहा था, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे मेरी लाइफ में, और किसी का फोन नहीं आया था, कोई लड़की नहीं थी, बैग रख दे अभी तू, इज्जत से मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था, रख दे इसको, देख कैमरा देख, मजाक कर रहा था बाबा, सॉरी सर, अरे मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी यार, सॉरी ए बाबा, सॉरी सॉरी ना, अच्छा चलो भाई देखा, बुरा मान गई यार, आप ऐसे ऐसे डिमांड कर देते हो वीडियो ना, आपकी भाभी बुरा मान लेती है पटाख से, थोड़ा मनाता हूँ अभी, उसको कैसे मनाना मेरे को पता है। चलो फिर आपको अभी करता हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और घंटा बजाना और सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने, बोलो वहां पे तो घंटा बजाना, अरे मतलब आप घंटा बजाना पड़ता है, सब्सक्राइब के बाजू में घंटे वाला जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करना और सब्सक्राइब कर देना अच्छे से, और बस वीडियो देखते रहना, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहने दो, हमारा प्यार आपके साथ रहने दो, बस बस यही बोलना चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।